गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ, आपको शायद पता हो, तो सरोजनी नगर। तो वही ऑफिस के बाद, तो अभी चलते हैं कुछ देखते हैं। मुझे कुछ कुछ सामान, मुझे कुछ कुछ लेना है। ये टूट गया, अब मैं यहीं से ही लूँगी कॉल। चलो गाइस, चलते हैं शॉपिंग करने। तो जो ये क्लिप थी ना पहले, तो अगर आप सरोजनी नगर जाते हो और उस मॉल में जा रखे हो तो आपने उसको देखा ही होगा। तो वो दोनों ना ऐसे गुरुद्वारे के नाम पे कि भाई गुरुद्वारे में कोई सेवा है, ये है वो है, कोई डोनेशन है या कुछ, ये चीज़ बोल के लोगों से डोनेशन ले लेता है, मतलब पैसे ले लेते हैं। मैं पहले, काफ़ी पहले मैं बैठी हुई थी, ठीक है, साइड में बैठे हुए थे वो, उनको शायद पता नहीं होगा या क्या, तो उन्होंने पैसे दे दिए, ठीक है। और मुझे तो मतलब ऐसे पता चल ही जाता है ना भाई, गुरुद्वारे की कोई डोनेशन कभी ऐसा होता नहीं है कि आपसे कोई ऐसे कैफे वगैरह में आके कोई डोनेशन ले रहा है, ठीक है। मतलब पता ही होता है कि ऑब्वियसली ये फेक है, ठीक है। तो कोई उसके पास प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऐसे दो बंदे ऐसे आके मांग रहे हैं। हाउ स्टूपिड। तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि ये ऐसे पैसे ही ले रहे हैं बस, ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर मैंने तो उसको मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दे रही, जो मर्जी है, ठीक है। तो वो और फिर किसी के पास गया। फिर मैं दो तीन बार गई सरोजनी, और मैं हमेशा मैंने देखा उनको कि ये ऐसे ही घूम रहे हैं या क्या, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इस बार मैंने ना मैकडोनल्ड्स वाले में जो स्टाफ था, तो मैंने उनमें से किसी एक को बोल दिया। वो फिर मेरे पास आ रहा था, ठीक है, पर उसको पता चल गया था कि मैं दो तीन बार उसको देख चुकी हूँ ऐसे, और मैंने अभी तक दी नहीं है। तो वो मेरे सामने से ही चले गया, मतलब वो मेरे पास आ रहा था पर उसको शायद ना याद आ गई होंगी या क्या, तो वो चले गया। फिर मुझे इतना गुस्सा आया ना, वो साइड में ही जाके वही सेम स्टोरी की, गुरुद्वारे में कोई डोनेशन है, ये है वो है, ठीक है। हाँ, तो मुझे इतना, मैं गाड़ी की पोजीशन चेंज हो गया क्योंकि मैं वापस आके दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, ओके। हाँ, तो मुझे इतना गुस्सा आया ना कि वो गुरुद्वारे के नाम पे ये सब हरकतें कर रहा है, ठीक है, इतनी बेइज्जती करवा रहा है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली यार, तो होता ऐसी, बाकी लोग तो यही सोचेंगे ना कि ऐसे गुरुद्वारे और ऐसे ये हो ये वो, मतलब जो भी समझ रहे हो ना, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। तो मुझे इतना गुस्सा है ना। तो जो मैकडोनल्ड्स के वो घूम रहे थे ना मेरे आसपास स्टाफ, तो मैंने उनको बोला कि भाई ये कौन है आप, ऐसे अंदर आने कैसे देते हो, ये वो ये वो, ठीक है। तो फिर उसको पता था उनके स्टाफ को कि ये ऐसे आते हैं, ठीक है। उसने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो पहली बार देख रही हूँ, ये वो ये वो। फिर उसने पूछा, मतलब ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर मैं तो उनको बोल दिया कि भैया ये क्या बात है, मेरे पास उस टाइम नहीं आया पर पहले तो आया था ना सेव मैकडोनल्ड्स पे, तो ये क्या बात है कि कोई भी आके, और वो सीधा बैठ रहा था, वो ये नहीं कि खड़े होके मांग रहा है क्या, मैं सीट खाली थी, सीधा आके बैठा है वो। और वीडियो में भी देखो कि वो दो कोई बैठे हैं उनके साथ, सीधा बैठ रहा है। भाई ये क्या,
बस यही बात थी। हाँ तो मैं लगा आपको ये दो लोग दिखे ना ऐसी, तो भाई ये लोग क्या और भी कहीं बाहर भी, मैंने एक व्लॉग देखा था किसी का, और तो सीपी था वो, ठीक है, सेम वहाँ पे यही हो रहा था, सेम यही हो रहा था। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे तो प्लीज डोंट बिलीव ऐसा कोई डोनेशन। आप किसी चीज़ के लिए डोनेशन मांग रहे हो तो ऐसे कैफे वगैरह में घुस के लोगों के साथ बैठ के मांगोगे? नहीं ना, ऑब्वियसली। तो ये लोग भी पता नहीं क्या है, किसी भी चीज़ में डोनेशन दे देंगे। हाँ तो अगर ऐसा मतलब आए तो मत देना, ठीक है ना? तो कोई मुझे कहता आपके रूम में सिर्फ यही लाइट है क्या? नहीं भाई, एक ये है और एक ये है, और ये पूरे रूम में ये वो दूसरी लाइटिंग हो रखी है, तो वो भी है। गाइस, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और एसी अब ठीक हुआ था। जो रात को आए थे ना, तो वो रात को नहीं हुआ था, सुबह हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा लंबा काम था। तो अब वो जब मैं वापस आई हूँ तो एसी तो हो गया है ठीक, पर उन्होंने पूरे रूम को पता नहीं क्यों डस्ट हो गई है पूरे रूम में, ठीक है। और एक्चुअली क्या है ना, मेरा घर पूरे 3 साइड ओपन है तो बहुत डस्ट आती है, वो थोड़े में ही मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है डस्ट। तो अब परी तो दूसरे रूम में बैठी हुई है, क्योंकि वो वैसे भी हेल्प नहीं करवा सकती क्योंकि उसे लगी हुई है। तो अब ये पूरा रूम मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। मेड है बट मैं हमेशा से खुद ही क्लीन करती हूँ मेरा रूम, मेरे हिसाब से। मुझे उनको कहना अच्छा नहीं लगता कि ये रह गया वो रह गया, मतलब मुझे मेरे हिसाब से चाहिए होता है। तो अब मैं खुद ही कर रही हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ, पर मुझे ये करना पड़ेगा पड़ेगा। और ये परी की बच्ची वैसे ही कोई काम नहीं करवाती है, और अब इसको बहाना मिल चुका है ना काम करने का, अब मुझे ही करना पड़ेगा खुद। तो फाइनली सब कुछ हो चुका है, सब क्लीन हो गया, पूरी बेडशीट चेंज कर दी, सब क्लीन हो गया, मैं खुद भी क्लीन हो गई। और तू तू मैं कुछ भी बोलूँ ना अब तेरे को उसी सेकंड हो जाना चाहिए वो काम, क्योंकि ये तुझे भी हेल्प करवानी चाहिए थी, हम दोनों का तो सेम रूम भैया है। लंगड़ी हूँ मैं अभी, तो कैसे तू कर रही तू ठीक भी हूँ? होती तब भी तू नहीं करती है, ठीक है ना? ओ हेलो, झूठ मत बोल, तू झूठ मत झूठ बोल, मत बोल तू मेरे झूठ साथ। मत तो कवर भी, बोल। और मैं कवर भी क्लीन कर आई, और आप भी कवर अपने पूरे, उससे बाद क्या करो जो वो आता है क्लीनर, पूरा वॉश करके आया करो। अगर आपका ऐसे न, मतलब ब्लैक नहीं, मतलब अगर आपका प्लास्टिक सा वैसा कवर है तो उसको पूरा वॉश किया करो। मत कर सीनू, इस तो ता तो मेरी, इसको काट दे सीनू, काट दे। सुंदर बेबी है मेरे, सबसे सुंदर बेबी कौन है? सीनू है। किको को, किको बोल रहा है, किको गुस्सा आ रहा है। क्या हो चीनू, ये तो परेशान डाल दिया। ये तो परेशान डाल दिया, मत कर उसको। चीनू आप आंटियों की तरह क्यों बैठे हुए हो? ये आंटी बैठती है ऐसे, चीनू आंटी। ये सीनू और कटो इसको, और कटो, कट दे इसको, कट दे। मैं हूं ना, कुछ नहीं करेगी वो, तू काट इसको यहाँ ऊपर कर। तो और मैं क्या वेट करूं, हाथ ना देखूं। तू उधर मत देख, चल दोबारा। डिंग लगता लग। ओए ये क्या है, तू अलग से क्यों मार रही है? ओए एक हाथ यूज करने, दो दो क्या यूज कर रही है तू? क्या मोदी जी है क्या? तो और मैं थोड़ी तो और क्या परी, हेलो ऐसे करना है? तो टच कर, मत कर टच, कर कर तू, तेरी बारी है, दो दो बार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्यों चीटर को?
डर क्या रही है वे? तो डरूंगी ना। शाबा शाबा माहिया से शाबा शाबा। ए ये क्या कर रही है? क्यों देख रही थी? हम दोनों शेक पी रहे हैं सिम से मैचिंग मैचिंग। जल्दी से दिखा देती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ, ठीक है? एक तो ये तो ये ग्लासेस थे, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये, वेरी नाइस वेरी क्यूट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और एक ये बैग, ये टोट बैग, ठीक है, ये ऐसे एथनिक वेयर के साथ डाल सकते हैं, मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं तो जैसे कुर्तीज एंड ऑल के साथ, वैसे तो मैं डालती नहीं पर मेरे पास है एक दो, तो अगर मैंने वो डाला तो वो ब्लू ब्लैक सी है तो उसके साथ ही जाएगा। बस यही लेकर आई मैं क्योंकि और कुछ मुझे कुछ खास मिला नहीं और बहुत गर्मी थी क्योंकि मेरा फेस पूरा रेड हो चुका था क्योंकि मेरा लेज़र था ना, तो मैं वैसे तो एक दो दिन बाद ही बाहर निकली थी पर फिर भी इतनी धूप और गर्मी थी ना तो मेरा फेस पूरा रेड हो चुका था, तो मैं जल्दी से वापस आ गई। तो बस इतना ही लाइक। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड या बाय।